कटनी की विजय रावगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने चुनाव से पहले अपने क्षेत्र में जनमत संग्रह करवाया है। जनमत संग्रह के लिए कराई गई वोटिंग की शुक्रवार को मतगणना भी हुई। विधायक संजय पाठक को 75% जनता ने चुनाव लड़ने पर समर्थन दिया है। बता दें कि जनमत संग्रह के लिए कुल 1,37,055 वोट डाले गए थे। मतगणना के दौरान विजय राघवगढ़ की जनता ने हाँ विकल्प पर 1,03,203 वोट दिए हैं, जबकि ना के विकल्प पर महज 30,082 वोट ही दिए हैं। वहीं 3,767 वोट निरस्त घोषित किए गए हैं। इसको लेकर के विधायक संजय पाठक ने जनादेश का परिणाम आने के बाद कहा कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, आपकी सेवा करता रहूंगा। राजनीति में पारदर्शिता और सकारात्मकता की आवश्यकता है, यह जनादेश इसलिए था। में गए वोटों में भी डबल निशान वाले भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जो हमको भी हाँ कर रहे, नीचे भी हाँ कर रहे, और रिजेक्ट वाले में तो साफ साफ लिख दिया रिजेक्ट। तो ठीक है, 25-30 हज़ार लोग खिलाफ हैं, उनको मनाएंगे, हटाएंगे, घर जाएंगे, जैसे मानेंगे वैसे जाएंगे। भैया हमारी क्या त्रुटि है, क्या गलती है, हम कोशिश करेंगे उनके मन को फिर से जीतें, दिल को जीतें। और ये जो जो पूरी कायावत भी हुई है, ये दिल जीतने की ही कायावत थी कि सत्ता पे नहीं दिल पे राज करना चाहता हूँ। तो जो झूठे भी हैं उनको जाके मनाएंगे और साथ में लेके आएंगे।